नमस्कार। टीवी इंडस्ट्री के दो बड़े सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा और रामायण में काम करने वाले दो बड़े कलाकारों ने पिछले कुछ दिनों में दुनिया को अलविदा कह दिया। ये कलाकार थे घनश्याम नायक और अरविंद त्रिवेदी। मशहूर सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नट्टू काका का किरदार निभाने वाले घनश्याम नायक का 3 अक्टूबर को निधन हो गया। वो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे, जबकि रामानंद सागर की रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी ने भी बुधवार को दुनिया को अलविदा कह दिया। हाल के दिनों में इन दो महान कलाकारों के निधन से जहां पूरा बॉलीवुड शोक में डूब गया, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घनश्याम नायक और अरविंद त्रिवेदी के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया। पीएम मोदी ने एक्टर घनश्याम नायक के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, पिछले कुछ दिनों में हमने दो प्रतिभाशाली कलाकारों को खो दिया। उन दोनों कलाकारों ने अपने काम से लोगों का दिल जीता था। श्री घनश्याम नायक को उनकी बहुमुखी किरदारों के लिए याद किया जाएगा। विशेष रूप से लोकप्रिय शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वो बेहद दयालु और विनम्र भी थे। पीएम मोदी ने इस ट्वीट के साथ जो तस्वीर शेयर की है, इसमें वो तारक मेहता के उल्टा चश्मा की टीम के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में शो के प्रोड्यूसर असित मोदी, नट्टू काका और बागा दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, एक्टर घनश्याम पिछले काफी दिनों से कैंसर से जूझ रहे थे और उनका इलाज चल रहा था। उनके गले की सर्जरी हुई थी और इस वजह से वो शूटिंग से भी दूर हो गए थे। हाल ही में उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में मीडिया से बातचीत में बताया था कि उनके गले से 8 गांठें निकाली गई थी और उन्हें नहीं पता था कि इतनी गांठें कैसे बन गईं। इन गांठों को 4 घंटे की सर्जरी के जरिए निकाला गया था, लेकिन कैंसर से लड़ते लड़ते घनश्याम नायक जिंदगी की जंग हार गए। रामायण जैसे ऐतिहासिक सीरियल में रावण की भूमिका निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी का 82 साल की उम्र में बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताते हुए लिखा, हमने श्री अरविंद त्रिवेदी को खो दिया, जो न केवल एक असाधारण अभिनेता थे बल्कि जनसेवा के प्रति भी पैशनेट थे। भारतीयों की पीढ़ियों के लिए उन्हें रामायण टीवी सीरियल में उनके काम के लिए याद किया जाएगा। ओम शांति। आपको बता दें, एक्टर अरविंद त्रिवेदी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत गुजराती रंगमंच से की। उनके भाई उपेंद्र त्रिवेदी भी गुजराती सिनेमा का चर्चित नाम रहे हैं और गुजराती फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं। गुजराती भाषा की धार्मिक और सामाजिक फिल्मों से अरविंद त्रिवेदी को गुजराती दर्शकों में पहचान मिली, जहां उन्होंने 40 सालों तक योगदान दिया। उन्हें शानदार अभिनय के लिए कई पुरस्कार भी मिल चुके थे। एक्टर अरविंद त्रिवेदी अब भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन आपको बता दें, इससे पहले इसी साल मई में उनकी मौत की अफवाह उड़ी थी, जिसके बाद उनके भतीजे कौस्तुभ त्रिवेदी ने सामने आकर सफाई दी थी। कौस्तुभ ने बताया था कि अरविंद जी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, साथ ही उन्होंने फेक न्यूज नहीं फैलाने की गुजारिश की थी। अरविंद त्रिवेदी ने कम से कम 300 हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम किया। साल 2002 में उन्हें सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC का एक्टिंग चेयरमैन भी बनाया गया। इसके अलावा वो साल 1991 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद भी बने थे और 5 साल तक पद पर रहे।